पहले वाला जो उस दिन काम दिखा रहे थे, सर जो उस दिन काम दिखा रहे थे जी सर पिछले क्लास में, उसको जी कंप्लीट सर करिए। सर उसको कंप्लीट कर रही हूँ अभी धीरे धीरे। सही हाँ, बनाते ये स्केच है, पेंसिल स्केच। सर। नहीं वो नहीं आती है चारकोल, वो वैसी वाली पाउडर वाली जो तुरंत झड़ अच्छा ठीक जाती है। सर ये 9 रस्में बनाए थे कुछ पोर्ट्रेट। ठीक है, ये भी अच्छा है। पोर्ट्रेट। सर 9 रस्में बनाए थे। ठीक है, तो कुछ काम स्टार्ट करिए। ज्योति, आवाज हाँ मोबाइल का कैमरा ऐसा सेट करिए और कुछ की वर्क आपका दिखाई दे, उपासना, और कोई नया वर्क स्टार्ट करिए। ठीक है सर। कैमरा ऑन करिए, आवाज म्यूट कर दीजिए, अपना अपना साउंड म्यूट करके कैमरा ऑन रखेंगे सब लोग। ये कल वाला है कि नया गया?
ये कब का है? कल वाला है? हाँ सर, अभी फिनिश नहीं हो पाया। हाँ, इसको कंप्लीट करिए। और थोड़ा डार्क टोन लगाइए, जहां पे ब्लू लगा है उस पे डार्क कर दीजिए ब्लू को। डेप्थ ये उसमें प्योर ब्लू नहीं दिखना चाहिए, किनारे से डार्क किनारे किनारे से, या कोई टेक्सचर्स बना लो उससे डार्क कर दो। उसके ऊपर कुछ बनाओगी तो उससे भी डार्क हो सकता है। टेक्सचर डार्क लगा जाते क्या? हाँ सही है, ऐसे ही ब्रश ऐसे कहीं कहीं डार्क लगाओ चारों तरफ, पूरे पेपर पे चारों तरफ कहीं कहीं किनारे से। कहीं बीच में लगा दो, कहीं किनारे लगा दो, कहीं बड़े पैच लगा दो, कहीं छोटे पैच, फिर किसी को थोड़ा सा मर्ज कर दो। तो जो वो कहते टेक्सचर दिया उसके ऊपर भी लगा दे, लगा दो। Thank you.
हाँ बताइए। प्लानिंग कैसे करें, जैसे ये जो निकल रहा है व्हाइट व्हाइट, इसको मैं निकालना चाह रही, तो इसको कैसे? थोड़ा सा वाटर लगाओ और ब्रश में से कलर कम करो, और जो डार्क कलर लगाया है वो टोन बीच में भी दे दो जहां पे लाइंस दिया। राइट करके नहीं पानी लगाओ ताकि फ्लो हो जाए, बीच में पानी लगाना यहाँ है। हाँ किनारे पानी नहीं होना चाहिए, बीच में। जी। मैं इसको निकालना चाह रही थी। मैं अब टोन किसी दे राइट, ब्रश का कलर कम कर दो। ब्रश का कलर धुला उसको धुलो, है वो तो। अच्छा कपड़े से पोंछ लो, सिर्फ पानी लगाना है। पूछ लिया, ओके हानि से लगा। जहां जहां पे धब्बा टाइप का दिख रहा है डार्क हाँ वाला, वहां पे थोड़ा थोड़ा वाटर लगा दो, डार्क वाले कलर पे, किनारे वाला। ठीक, हाँ जहां पे कलर टूटा हुआ है किनारे किनारे, वहां हाँ पे पानी लगा दो। लगा दिया। अच्छा हाँ अब सूख जाने दो उसको, सुखा लो। उपासना कैमरा ऑफ हो गया आपका। ऑन है। हाँ ठीक है, दूसरे और करिए, उसके आगे स्पेस है ना पेपर पे, वहां कुछ बनाइए जो खाली स्पेस है। सूख जाने दो ज्योति, सही लग रहा है। जी उपासना जो आगे स्पेस दिख रहा है पेपर पे, खाली स्पेस, वहां पे भी कुछ बनाना है।
कैमरा आपका स्केच कर रही हो ना, डिटेल ज्यादा मत करो, इतना ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल मिलना। आगे क्या बनाओगे उसके? यस सर। बच्ची जो बैठी है उसके आगे स्पेस है ना पेपर पे, खाली स्पेस, वहां पे आप क्या बनाएंगे? सर फूल बना रही थी अभी तो। ठीक है बनाएंगे सर, दो तीन लड़कियां और बना देंगे और फूलों की दरिया बनाओ। कैमरा ऑन रखेंगे सब लोग अपना, आवाज म्यूट कर देना।
क्या बनाओगी ज्योति इसके साथ? ज्योति शिव जी बनाएंगे सर, जो डांसिंग फॉर्म वाला शिव जी होता है वो, वही है। छोटी छोटी चीटी बनाई है नीचे, इसमें चीटी किसमें सर, कलर वाले में सर? नहीं इसमें, स्केच में। अच्छा इसमें जी, नीचे चीटियां चलती हुई, आगे गाना रहेगा, घंटी जहाँ बनाया वो घंटी की जंजीर जहाँ बनाई, घंटी की जंजीर सर बादलों में जाएगी। अच्छा बादल में है दिखा, जंजीर दिखा, बादल बने नहीं सर। अच्छा वो उल्टा करके बना रहे थे। हाँ सर वैसे दिखता नहीं मुझे। उपासना आपका कैमरा ऑफ है। सर कैमरा तो ऑन है। ऑफ हो गया है। सर अब ठीक है? अब ऑन हो गया। ज्योति आपका कैमरा ऑफ है। आपका पेंसिल नहीं दिख रहा है। उपासना पेंसिल चलते हुए पेंसिल दिखना चाहिए। हाँ ज्योति आपका कैमरा ऑफ है। आप ठीक है? तो हाँ नहीं ऑन नहीं हुआ, ऑफ है अभी। आपका भी ऑफ हो गया। मेरा अभी भी ऑफ है। हाँ अब ऑन हुआ। उपासना का भी ऑन ऑन हो गया, ऑफ हो गया उपासना।
ऑफ हो गया उपासना का, कैमरा देखते रहना है, मतलब ऑफ ना हो, कैमरा चलते रहना ठीक, ताकि आप जो वर्क कर रहे हैं वो दिखाई दे। सर कैमरा तो ऑन है फिर भी ऑफ क्यों दिख रहा है? पता नहीं क्यों बार बार ऑफ हो जा रहा है, ज्योति का भी हो रहा है ऐसे। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। हो सकता है, चलो हम बताते रहेंगे, जब ऑफ होगा बताते रहेंगे। ज्योति आपका वर्क दिखाई नहीं दे रहा। और उपासना का कैमरा ऑफ हो गया। अब ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया, ऑन हो गया, फिर ऑफ हो क्या गया। हो रहा है ये? फिर से कनेक्ट कर लो। नहीं सर, नहीं तो फिर हम लोग का होना नहीं है। हाँ फिर से डिसकनेक्ट करके फिर से लिंक भेजो। सर हो नहीं पाता, बहुत मुश्किल हो पाता है। नहीं तुम्हारा ठीक है, उसको बोला है। ऑन दिख रहा है? नहीं कैमरा तो ऑन ही है। अब दिख रहा है। ठीक है, और पेंसिल दिखना चाहिए जिससे हाँ हाथ जो चल रहा है। ज्योति का ऑफ हो गया। हाँ सही सर। क्या हो रहा है ये? तुम्हारा ऑन हो रहा है तो उपासना का ऑफ हो जा रहा है, और उपासना का ऑन हो रहा है तो तुम्हारा ऑफ हो जा रहा है। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? सर पता नहीं कैमरा तो हम दोनों ऑन कर रखे हैं। हाँ ऐसे, मेरे में दिख रहा है, मेरे में ऑन दिख रहा है। हाँ, मेरे में भी दिख रहा है, दोनों उपासना का दिख रहा है। मेरे यहाँ प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर आपके में है। हो सकता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, एक का दिखना चाहिए। वैसे ऑन करके देखो। सर मेरा तो ऑन ही है बिल्कुल, ना ऑफ भी नहीं किया एक बार भी। अब ऑन दिख हुआ रहा है। ब्लैंक शीट है। हाँ अब दिख रहा है। हो सकता है नेटवर्क चला जा रहा है उसकी वजह से। कैमरा एक जगह कहीं रख दीजिए, कैमरा हिल रहा है पास में आपका। सर रखने की जगह ही नहीं है, बेड पे बैठी हूँ, हाथ में पकड़ी हूँ सर कैमरा। ऐसे तो हाथ दुख जाएगा।
रख के कोई हाइट वाली चीज हो उस पर रख के। साहब ये ठीक है, क्या करें, चलती कोई ऐसी चीज है जिसमें हाइट हो, मतलब थोड़ा बुक्स ऊंचा। उठा लो कोई। दूसरी क्लास 3 बजे से है। दो सर दो दो क्लास क्यों? क्लास लेना कंपलसरी है हम लोग को भी। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब चैनल पे जा रहा है। हाँ, यूट्यूब चैनल भी है? ठीक हम लिंक भेज देंगे, देखना। ठीक सर, मुझे भी भेज दीजिएगा। है, आप लोग जो काम कर रहे हो उस पे सब रिकॉर्ड होके चला गया यूनिवर्सिटी के साइट पे, सब लोग देखेंगे आपका काम, तो इसलिए सीरियस होके करना है। और आपका नाम भी दिखाएगा कि कौन कौन पेंटिंग बना रहा है, कौन स्केच कर रहा है। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, कैमरा ऑफ हो गया, ऑन हो गया कैमरा जल्दी तो कर। सर ऑन
एक स्केच बनाने में कितना टाइम लगता है? उपासना, यस सर, एक स्केच कितने देर में बनाते हो? सर हमें टाइम लग जाता थोड़ा सा। स्केच का मतलब होता है फास्ट, आप फास्ट कम से कम टाइम में आप स्केच करते हो, ठीक है। जहाँ आपने उसमें टाइम लगाया तो वो ड्राइंग में आ जाएगा, फिर वो स्केच नहीं रह जाएगा, ठीक है, उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना है, आप जितना अच्छा फोर्स उसमें दिखाओगे लाइंस में उतनी अच्छी स्केच होगी आपकी, ठीक है। तो स्पीड आनी चाहिए कम से कम लाइंस में, मतलब वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपकी। जहाँ पे डार्क चाहिए वहाँ प्रेशर दे दो, प्रेशर दे के खींचो पेंसिल को, जहाँ लाइट चाहिए वहाँ हाथ को हल्का कर लो। तो अपने आप जब स्पीड से करोगे ना तो वो अपने आप अच्छी लाइंस आएगी, तो उसकी प्रैक्टिस होती है स्केच में। और कोशिश करो एक ही बार में खींचो, एक बार में लाइट वाली लाइन खींचो, दूसरी बार में अगर वो सही लाइन चली है तो उसी पे डार्क लाइन खींच दो, बस दो से ज्यादा नहीं। तीसरी लाइन चौथी लाइन नहीं होनी चाहिए, एक के ऊपर एक नहीं। पहली हल्की लाइन, फिर उसके बाद उसी पे डार्क लाइन, इसमें 23 बढ़ाना है तुम्हारे। Thank you.
अगली क्लास 3 बजे से चलेगी आप लोग। सही हो गई क्या? हाँ ये खत्म हो गया क्लास। ठीक है 3 बजे क्लास करना है, भागना नहीं है। ठीक है हाँ अच्छा बना है। शाम को भी करना है, डेटा अपना बचा के रखना। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर।